जैसा कि आप देख रहे हैं कि थाना कोतवाली चांदनी चौक के अंदर यहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, और अगर हम बात कश्मीर की करें, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर की बात नहीं उठती, लेकिन कश्मीर से लोग जो दिल्ली में पहुँचे थे वो भी कारी ओवैस को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद है। अपने इसमें ग्रामीण बताएं। जी, मैं चौधरी ताजीम गुज्जर जम्मू कश्मीर से इनकलाब विकास दल की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो जैसे ही मैंने सुना कि ये वाकया हुआ है यहाँ पे, मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं गुज्जर हूँ, मैंने ये चीज़ भी सुनी तो ज़्यादा ये बात मेरे अंदर जो है वो पिंच कर गई। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हिंदू था या मुस्लिम था या गुज्जर था। सबसे पहले जो बात हुई है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ यहाँ पे। अगर पुलिस स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन पे ऐसे अगर दिन दहाड़े मारा जाएगा लोगों का, तो फिर देखो हमारे देश के क्या हाल होगा। इस पे तो मैं पूरे प्रशासन से भी कहूँगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगी कि कृपया करके इस मामले को मज़ीद तह तक जाके इसको जांच करना चाहिए और इस बच्चे के वालदेन को इसका पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अभी मेरी बात हुई है बच्चे के वालदेन से, बहुत नहायत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था, दिल्ली में जॉब ढूंढने के सिलसिले में आया था, तो किसी कारण जॉब ना मिलते हुए घर वापसी की कर रहा था। तो आप देखिए ना कि मुद्दा क्या था, एक छोटे से एयरफोन से आज अगर हम इंसानी कत्ल कर देते हैं तो आप देखिए क्या होगा। ना तो उसने किसी को मारा था, ना तो मर्डर किया था, ना तो किसी को धमकी दी थी, लेकिन अगर इतने से इशू पे इंसानी कत्ल हो जाएंगे तो फिर आप देखो कि डे बाय डे हमारे देश के हालात कितने गंभीर होते जाएंगे। तंजीम, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग होती जा रही है, हर हफ्ते कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आती रहती है, और इसके ऊपर लोग एहतजाज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट को इंसाफ नहीं मिल पाता, उससे पहले एक दूसरी लिंचिंग और हो जाती है। तो इस तरीके अब तक ये हमारे देश के अंदर जो लचर रवैया है, इसके लिए आप लोगों का क्या स्टैंड है? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मॉब लिंचिंग है, इस पर एक स्पेशल एक्ट बनना चाहिए, इस पर एक स्पेशल आर्टिकल बनना चाहिए, ताकि जो मॉब लिंचिंग का केस है जहाँ भी हो, हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी मॉब लिंचिंग कहीं भी हमें देखने को ना मिले। हम तो एक एक्ट चाहते हैं इस पर। जिस तरीके से आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, सेक्शन 370 की अगर हम बात करें, तो वहाँ बहुत ही जल्दी आनन फानन के अवसर निष्क्रिय कर दिया गया, तो क्या इसी तर्ज के ऊपर मॉब लिंचिंग के ऊपर भी बड़े कानून बनने की ज़रूरत है, या अगर कानून बने हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ तक मानते हैं? जी बिल्कुल, जैसे देखो कि एकदम से ही सरकार बनते ही दो चार कानून जो हमारे देश में बड़े बड़े लागू हो चुके हैं, जैसे 3 तलाक का हो गया, 370 का हो गया, अगर ये चीज़ें आगे आ सकती हैं तो मॉब लिंचिंग का केस क्यों नहीं आगे आ सकता है? इस पर भी तो काम होना चाहिए ना। जी तंजीम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि इस वक्त आप बात कर रहे थे कश्मीर से आए हुए तंजीम से, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह 3 तलाक के मुद्दे पर और देश के अंदर आर्टिकल 370 के ऊपर कानूनों के लिए फैसला लिया गया, उसी तेज़ी से हमारे देश के अंदर मॉब लिंचिंग के कानून के ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, और बहुत जल्द ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मकसूद हुसैन के साथ, थाना कोतवाली चांदनी चौक दिल्ली से।